हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर लाखी जॉब में। और ये है शाम का टाइम और ये मेरी रोटी बन चुकी है। गरम गरम डालते हैं ना तो भाप पूरा निकल जाता है। ये फ्राई वाली दाल, दही और रोटी खाना देने जा रही हूँ। और दिन की थोड़ी गोभी की सब्जी है तो वो बस मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है गोभी की सब्जी। आप लोगों को किन किन को गोभी बहुत पसंद है, बड़े बड़े फूल वाली, तो आप लोग बताना। पूरा गोभी है प्रॉपर। ये मैं बस अपने लिए रखी हूँ बना करके, क्योंकि बस मैं ही खाऊंगी। सौपिन को गोभी नहीं पसंद है तो गोभी नहीं खाता है, बस मुझे ही पसंद है तो मैं खाती हूँ। और रोज़ मैं यही स्वेटर इसलिए पहनती हूँ, बिल्कुल हल्का है, लाइट वेट है ना, अभी ठंड ज़्यादा नहीं है। इसको बस ऊपर से मैं डाल लेती हूँ, उसमें बटन नहीं भी लगाती तभी चल जाता है। तो मैंने कही चलो आज आप लोगों से बातें करते करते और बनाया जाए वीडियो। तो अभी स्वप्निल आया है और मुझे लगा कि भूख लगी होगी तो बोल रहे नहीं थोड़ी देर बाद खाएंगे, कोई बात नहीं। और मैंने मेरा अलग ही चलता है भाई, दाल बनाई मैंने फ्राई वाला, गोभी वाली सब्जी थी तो स्वप्निल ने बोला कि मैं दाल फ्राई वाली दाल बनाई हो और दही के साथ मैं खा लूँगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन गोभी बहुत सारी बची हुई थी। मैंने अपने लिए, मैं आपको दिखाऊँ, बहुत इसमें दिख रहा है बड़ा, लेकिन इस गिलास से बनाई है एक गिलास। अगर स्वप्निल को लगेगा थोड़ा चाहिए तो उसको भी इतना दे दूँगी। मैं खाऊंगी दाल चावल और गोभी की सब्जी, पहले गोभी की सब्जी और चावल खाऊंगी। और दाल, आप लोग बोलते हो गोभी 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 हो रहा है, हाँ मुझे बहुत पसंद है गोभी। और मैंने इधर दाल उबालने के लिए, मतलब दूध दूध उबालने के लिए चढ़ा रखी थी, एक मिनट दूध चढ़ा दिया उबलने के लिए, धीरे धीरे ये डाल दिया है ना, और इस पर ये धीरे धीरे उबलता जाएगा, थोड़ा सा उबल जाएगा फिर उसको गैस बंद कर देंगे और मिलते हैं सुबह। सुबह में कहीं जाने वाली हूँ प्रोग्राम के लिए, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कहाँ जाने वाली हूँ। और शाम का मैंने अभी थोड़ा क्लिप बना रखी हूँ, क्या क्या हमारे घर प्रोग्राम हो रहा है वो भी ज़रूर आप लोग देखना। ये बटन ना यहाँ से लूज हो गया, बार बार ये ढीला हो जाता है। इसको सोचती हूँ जब पहनने के लिए बैठती हूँ ना, मेरे मुँह में ऐसे लग रहे दाएँ दाएँ निकल रहे छोटे छोटे। तो आप लोग बने रहो और सुबह भी दिखाती हूँ क्या क्या होते हैं, जो हमारे इन क्या बोलते हैं, जो इनवाइट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनविटेशन, तंजोरी बोलते हैं, वो आया है। तो मैं दिखाऊंगी, अभी क्लिप बनाई हूँ थोड़ा, वो भी डाल दूंगी। आप लोग प्लीज़ देखना पूरा वीडियो को अंत तक और मिलते हैं सुबह में, ठीक है? तो ऐसा हमारे भी गांव में ना कुछ प्रोग्राम होता है, सारे सब्जी वगैरह इकट्ठे बैठ के काटते हैं। अभी आई है ना प्रोग्राम करके जनोई मटर छिल गई है सब्जी कटने समय भी, फिर मटर छिल चुके हैं। और देखो इतने सारे मटर छिल चुके हैं और ये भैया अकेले इतना छिले, ये देखो दो जने मिलके इतनी सी छिली है। और ये सब्जी वगैरह काटेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे सब्जी। अभी रात हो चुकी है, अभी 6 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 6:15। देखिए और ये इनकी घर की सजावट अच्छी लग रही है ना, सजावट हो गई है। तो इधर आसमान का कितना सुंदर आया है, ठीक है ना, ठीक है, प्रोग्राम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में ही प्रोग्राम है। ये देखिए अभी ये सब काट कूट के गए हैं वो भी, और ये इधर रखा हुआ है सब सामान। तो बोले कि सुबह खोल देना गेट फिर से जल्दी, हम आ जाएंगे जल्दी, रात हो रही ना इसलिए अभी ये सब गए ही है, सब कुछ रखा हुआ है। तो ये देखिए वो भी सब वगैरह काट करके, मटर छील करके। तो ये लॉक मैंने भी लॉक लगा दिया, स्कूटी आज बीच में ही खड़े की है, और लाइट को मैं कर देती हूँ ऑफ। ये इधर का टोटल काम मेरा हो चुका है और कपड़े दे दी मैंने शॉपिंग को फोल्ड करने के लिए। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, कपड़े फोल्ड हो जाएगा, हमारा संडे है तो उसके बाद मैं कर देता हूँ। और मेरे पास आज कुछ भी काम नहीं है क्योंकि हमारी है आज पार्टी, वो पार्टी में तैयार रहूँगी तब मैं आप लोगों से मिलूँगी। अभी मैंने नाश्ते के लिए स्वप्निल को पोहा दे दी
और मैं नहा के आती हूँ, मुझे बहुत तेज लग जाती है भूख, तो अपने लिए भी इतना बना ली हूँ, थोड़ा बर्तन मार लेती, फटाफट नहा लेती हूँ और मिलते हैं हम जाते समय। बिल्कुल, मैं ऐसे बस सिंपल सा तैयार हो गई, और ये वाली साड़ी मैंने पहले ब्लैक सोची थी, अब मैंने ये पहले, क्योंकि कीर्तन वगैरह है ना, कैसा लगेगा नहीं लगेगा, थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप कर लिया, अब वहाँ पे जाके मिलते हैं। ये साड़ी मैंने कहा चलो ये कलर तो पहन सकते, ब्लैक नहीं पहनी, कीर्तन वर्तन था उनका, और पता नहीं चला लेट हो चुका है बहुत, और हम जा रहे वहीं पर, देखते थोड़ा सा कर पाएंगे तो, क्योंकि पता नहीं चला उनका पंजाबियों में होता है ना गाना वाना, पता नहीं चला इधर वाले में कीर्तन वगैरह होता तो पता चलता है, तो वहीं पर मिलती हूँ अगर होगा तो। ये हम लोग आ गए खाना खा करके, और शॉपिंग नहीं गया था, अभी आया भी नहीं है, तो ये देखिए मैंने प्लेट में सब डाल के ले आई थी, अब उनको प्लेट वापस दे देती हूँ, क्योंकि वो सब धुलते डालते हैं जो भी। तो ये देखिए, ये रोटी दो तीन तरह की थी, मुझे जो अपना समझ आए मैंने ले ली, चावल, ये मिर्ची फ्राई यहाँ पे फेमस है, और ये पकौड़े हैं, पकौड़े किस चीज़ का मुझे पता ही नहीं चला, खा तो लिया थोड़ा, और इतने सारे सामान खाऊँ तो मन ऐसा ही हो जाता है। ये पनीर की सब्ज़ी, और मैंने गोभी की सूखी सब्ज़ी भी बनी थी, मैंने नहीं ली क्योंकि शॉपिंग नहीं खाता है तो लेने से कोई मतलब नहीं है। और ये मैंने दाल, गुलाब जामुन, रायता, और ये मूंग दाल की हलवा है, बस मैंने इसमें एक सलाद नहीं लिया, और मैंने गोभी की सब्ज़ी सूखी वाली नहीं ली, और रोटियां दो तीन तरह की बनी हुई थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ये शॉपिंग के लिए ला के रख दिया, अपना शॉपिंग खा लेगा, शॉपिंग जाता नहीं क्योंकि दोस्त वगैरह नहीं है ना कोई भी इसका, तो ठीक है जी। फाइनली आ गए, और खाना, इतनी भीड़ है ना, इतनी सारे लोगों को बुला रखे हैं कि मैं बता नहीं सकती, तो खा लिए और आ गए। ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि अलग ही था, अपने जो घर में कुछ प्रोग्राम होता है उसका अलग होता है, और सब ऐसे देखने लग जाते थे कि थोड़ा सा क्लिप बनाई थोड़ा सा, तो आप लोग बने रहो, और भी जो भी घर का होगा वो दिखाएंगे। मैंने कहा आज बहुत दिन के बाद, मतलब मुझे लग रहा है कि 7वां साल है कि हम ये खाना भंडारा वाला खाना खाएं, शादी वादी में जाते हैं, हमें भी पहले पता नहीं था इतने सारे वैरायटी बनी हुई, हमने यही सोच, बोले अंकल जी ने बोले थे लंगर है तो पूरी सब्जी और हलवा बनेगा, मुझे नहीं पता इतना सारा खाने का प्रोग्राम है, ये शादी वाला खाना हो गया पूरा। तो आप लोग बने रहो और पूरे ब्लॉग में, और क्या क्या होता है आगे दिखाऊंगी मैं।